सबसे पहले हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है पिक्सल लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है, तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इसका नाम पिक्सल लैब है, इसका आइकन इस तरीके से होता है। ये इसका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट इमेज एक आती है, उसके ऊपर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और ये सारे उसके ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, एक यूट्यूब का थंबनेल, जिससे आपको इजीली चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कौन सा ऑप्शन किस पर्पस के लिए होता है। अब मैंने ये जो तीन डॉट्स दिए हैं मैं ऊपर, इसको इसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम इमेज साइज सेलेक्ट करेंगे। अब इमेज साइज में जो है वो हमें साइज डिसाइड करना है। इसमें एक बिल्ट इन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे अगर यूट्यूब चैनल बैनर बनाना है आपको, यूट्यूब थंबनेल बनाना है, फेसबुक कवर आर्ट बनाना है, या डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनके जो साइज़ेस हैं वो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं, तो आपको वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो मैंने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर दी। देखें इसका ऑटोमेटिकली जो विड्थ और हाइट है वो आ गई, तो मैं इसको ओके करूँगा। तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है यूट्यूब थंबनेल का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे कोई इमेज लगानी है यहाँ पर, तो मैं ये प्लस का जो साइन ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगा और फ्रॉम गैलरी पे उसके बाद में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो भी इमेजेस मैंने सेव की हैं उसमें से मैं वो उसको सेलेक्ट कर लूँगा। या आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको इस तरीके से करना है, ये डिफरेंट दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से पिक्चर जो है आपको चाहिए। इसमें फ्लिपिंग भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया क्योंकि मेरी जो यूट्यूब थंबनेल है वो इस तरीके से होगा। फिर मैंने ये टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो ये ऑप्शन है इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के लिए भी आपको ये प्लस का साइन है इसके ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है वो मैंने उठा लिया। अब इसको आप इजीली कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रखूँगा और इस पर दो मरतबा जैसे डबल क्लिक होता है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हम फिंगर से और इसमें टेक्स्ट एंटर करेंगे। अब ये मैंने वहाँ से अपना YouTube का जो टाइटल है वो कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया। लेकिन मुझे सेपरेटली जो है ना वो बनाने, जैसे हाउ टू को मैं अलग टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहता हूँ और जो बाकी जो वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हाउ टू पे आऊँगा और उसको ओके कर दूँगा। ये देख रहे हैं आप आ गया। अब इसको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में टेक्स्ट को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये नीचे ए आपको दिख रहा है, ए पे आप क्लिक करेंगे और ये देखें ये मूवेबल है, आप अपने फिंगर से इसको हिला सकते हैं। इसका साइज़, ये साइज़ का ऑप्शन है, इसमें साइज़ आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं इतना रखना चाहता हूँ, फिर इसको मैंने उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर मैंने टिक मार्क पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको कलर रखना चाहूँगा इसका, मैं वापस से दिखाता हूँ आपको। ये कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं जाऊँगा और इसका वाइट ही कलर रखना है, तो मैं वापस मैंने टिक मार्क रख दिया, लगा दिया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको इनेबल्ड करूँगा और इस पर टिक मार्क करूँगा। पहले मैं इसका कलर भी सेलेक्ट कर लूँ, आपको कोई भी कलर बैकग्राउंड में चाहिए हो, मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं इसको टिक मार्क पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसका फॉन्ट भी मुझे चेंज करना है, तो मैं ये फॉन्ट आपको दिख रहा है,
इस पर क्लिक करूँगा। इसमें डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला कर लिया और फिर ओके पे क्लिक किया, तो ये देखें आप कितना ये हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, इसका कलर अभी भी जो है ना टेक्स्ट का वाइट नहीं है, अब ये वाइट वाइट हो गया, मैंने टिक मार्क लगा दिया। ठीक है, फॉन्ट अभी मुझे थोड़ा सा और इसका चेंज करना है, मुझे इतना खास नहीं लग रहा, तो मैंने यहाँ आर्म रेसलर रख दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से मैं दूसरा टेक्स्ट भी बनाऊंगा, फिर वापस से प्लस पे जाके टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके जो भी मेरा यूट्यूब का टाइटल था वो मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। और अब इसमें मैं यहाँ तक जो है हाउ टू को हटा के, क्योंकि हाउ टू ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, मेक चीप को जो है अब मैं अफेक्ट्स दूंगा ताकि ये विजिबल हो। इसका पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप और आपका हाथ बैठ जाएगा इस चीज पे, तो आप भी मेरी तरह फास्ट हो जाएंगे। इसका कलर मैं और थोड़ा सा इस चीज़ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेट भी बहुत अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद आप फिर वापस टिक मार्क लगाएंगे, फिर वापस से मैं टेक्स्ट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे अपना जो रिमेनिंग पार्ट है या जितना भी आप अपना लिखना चाहते हैं, अब मैं गार्डन स्प्रिंकलर शावर को मैं करूंगा। ओके कर दिया मैंने, अब ये देखिए यहाँ आ गया ये। अब इसको मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ ताकि ये जो पिक्चर है वो भी विजिबल हो। इसकी इस तरीके से मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी कि इसमें हर चीज़ जो है वो दिखे पिक्चर में, जिस तरीके से भी आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। क्योंकि ये पिक्चर जो है वो छुप रही थी इसलिए मैंने इसको और स्मॉल कर दिया। फॉन्ट पे गया, फिर वापस से मैंने ये इसका साइज थोड़ा और मुझे लग रहा है कि बड़ा करना चाहिए। इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कोई भी बंदा सर्च करेगा आपकी वीडियो तो ये इतना ज़्यादा विजिबल दूर से नज़र आएगा। आपको इमेज को और थोड़ा सा वो करना है, बड़ा करना है ताकि आपको दिखे, सही तरह दिखे लोगों को, तो आप ये पिक्चर को बैकग्राउंड को भी आप हिला सकते हैं। हम यहाँ एक और टेक्स्ट डालेंगे जो रिमेनिंग पार्ट था हमारे यूट्यूब टाइटल का,
शावर रह गया था, तो हम शावर को अलग से लिख देंगे। ऑब्वियसली पूरा टाइटल तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और जो पिक्चर है वो छुप जाएगी बैकग्राउंड में। ठीक है, अब इसको भी हम इसका भी साइज़ बढ़ा देंगे। अब इसकी जो प्लेसमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको इसके ऑप्शंस बता सकूं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये हाई डेफिनेशन पिक्चर्स होती हैं सारी। ये जो डिफरेंट कलर्स मैंने रखे हैं इससे ये जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, ठीक है ना, दूर से ये नज़र आएगा। ये मेरा एक यूट्यूब का थंबनेल बन चुका है। अब मैं इसको सेव कराऊंगा। अब ये सेव के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इस प्रोजेक्ट को भी सेव कर सकते हैं अगर आपका कोई लोगो है या कोई और चीज़ है जिसमें आपको मज़ीद चेंजेस करनी है, लेकिन मुझे चेंजेस नहीं करनी इसमें, तो मैं इसको सेव एज इमेज करूँगा और ये ऑलरेडी सेट है चीज़ें, इसको सेव टू गैलरी कर दूँगा। अब ये एक ऐड आ जाती है, इसको क्लोज़ कर देंगे और ये हमारी जो है वो थंबनेल तैयार है। तो कीप वॉचिंग गाइस, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल का नाम है सब कुछ सीखो। तो कीप वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।